ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट का चॉइस फिलिंग और जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हुआ था, तो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन आपको बता दे कि जो चॉइस फिलिंग के समय रजिस्ट्रेशन हुआ था वो कैंसिल हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद में आपका बोला गया था कि डिप्लोमा वाले के लिए और जितने भी कैंडिडेट बच गए हैं उन सारे को न्यू रजिस्ट्रेशन का चांस दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी हुआ है, इसमें बताया गया है कि वैसे स्टूडेंट जो जेई मेंस के एग्ज़ाम में अपियर हुए थे और उनके पास एनटीए का स्कोर कार्ड है, तो वो अगर चाहते हैं कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में हमें एडमिशन लें तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके थ्रू आपको बिहार के गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। उसमें प्राइवेट में आपको बता दें एक्जल्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो प्राइवेट है, वैशाली में है। तो दोस्तों इसमें आपको बीटेक में एडमिशन मिलेगा। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे या किसी कारण बस छूट गया था तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में बताया गया है कि मेरिट लिस्ट रैंक कार्ड ऑफ सच कैंडिडेट हु हैव ड्यूली सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेयर पब्लिश्ड ऑन द बोर्ड वेबसाइट, यानी कि वैसे स्टूडेंट जिसने अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले डाल दिया है यानी फिलअप कर चुके हैं उनका रैंक कार्ड वेबसाइट पे जारी हो चुका है। दोस्तों उसके बाद में बताया गया है कि अकॉर्डिंगली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फ्रॉम फ्रॉम द कैंडिडेट वेयर स्टार्टेड ऑन दी एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना डेटेड स्टार्टेड फ्रॉम 3/11 to 9/11, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग उनका स्टार्ट हो चुका था और परंतु उसे कल के एक नोटिस में रोक दिया गया है। उसके बाद में बताया गया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो लेटर प्राप्त हुए उसके अनुसार जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उन्हें अगर जेई मेंस दिए हैं या नहीं दिए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं UGEAC 2020 में एडमिशन के लिए। तो दोस्तों उसी के लाइट में आपको जो नोटिस कल जारी हुआ था उसमें बताया गया था कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो दोस्तों आपको बता दें रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको BCCI बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिंक मिलेगा अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पे अप्लाई फॉर UGEAC 2020 के लिंक पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो कि मैं लाइव वीडियो में दिखा चुका हूँ। दोस्तों उसके बाद में आपको बता दें कि यहाँ बताया गया है सच कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी ड्यूली फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम UGEAC 2020 का, तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है डोंट रिक्वायर टू अप्लाई अगेन, उन्हें दोबारा से फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन की दोबारा चांसेस नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता दिए हैं कि फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो ऐसा नहीं है। जो चॉइस फिलिंग के समय जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वहीं कैंसिल हुआ है और आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देना है। और जो एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं उनका कुछ नहीं होगा, उनको रैंक कार्ड भी सेम ही रह जाएगा। और जो चॉइस फिलिंग के समय रजिस्ट्रेशन हुआ था वो कैंसिल हो गया है और आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना होगा। दोस्तों उसके बाद में बताया गया है कि जो प्रोस्पेक्टस है वो यहाँ वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद में बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन थे और चॉइस फिलिंग यानी जो रजिस्ट्रेशन के समय जो चॉइस फिलिंग हुए थे वो कैंडिडेट जिन्होंने किया था उनको फिर से उनको करना होगा, और यही सारी बातें बताई गई है यहाँ पे। तो दोस्तों जो न्यू डेट है वो आप देख सकते हैं कि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है, तो आप यहाँ देखें ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है वो 9/11 से शुरू हो जाएगा और जो क्लोजिंग डेट है वो 16/11 को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में जो पेमेंट करने का चालान के थ्रू लास्ट डेट है वो 16/11 तक है। उसके बाद में अगर आप नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 17 नवंबर तक का समय दिया गया है, और उसके बाद अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो आप 18 नवंबर को एडिट कर सकते हैं। और जो मेरिट लिस्ट है यानी कि जिन वो अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका जो रैंक कार्ड है वो 19/11 को आ जाएगा और जो काउंसलिंग का डेट है वो फिर से आगे जारी होगा। तो दोस्तों अभी जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको अब 19 नवंबर तक वेट करना होगा, उसके बाद आगे की काउंसलिंग आएगी, डेट आएगी, तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग ये सब करना होगा। दोस्तों अगर आपको कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन अगर होता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ग्रुप में मैसेज करें या फिर मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप मैसेज करेंगे तो मैं हमेशा रिप्लाई करूँगा, और यही सारी बातें आपको बताई गई है इस नोटिस में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक